गैदरिंग ऑफ द रियलमी जो है वो इस 2021 के अंदर काफ़ी ज़्यादा बॉल करने वाला है। हाल ही में दो फ्लैक्सीबल स्मार्टफोन को लॉन्च कर चुकी है, लेकिन भैया रियलमी बिल्कुल भी ऐसे शांत नहीं रहेगी। और भी कई सारे अपकमिंग स्मार्टफोन रियलमी की तरफ से हमें देखने को मिलेंगे। बजट 5G स्मार्टफोन भी देखने को मिलेंगे 15,000 के अंदर। लेकिन भैया आज हम लोग बात करने वाले एक पावरफुल अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि हमें रियलमी की तरफ से इस 2021 के अंदर देखने को मिलेगा। शायद फरवरी के एंड या फिर मार्च तक हमें ये जो स्मार्टफोन है ये इंडिया के अंदर देखने को मिल जाए। और ये Realme का इस 2021 का एक पावरफुल फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन होगा। हम लोग बात कर रहे हैं Realme Race की। यहाँ पे Realme Race के रिगार्डिंग सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन बाहर आ चुकी है। क्या कुछ हमें स्पेसिफिकेशन वगैरह Realme Race के अंदर देखने को मिलने वाला है, और ये जो स्मार्टफोन है हमें इंडिया के अंदर Realme Race के नेम से देखने को नहीं मिलेगा। शायद ऐसी लीक्स आ रही है कि Realme GT के नेम से ये जो स्मार्टफोन है ये हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हो चुकी है, इसकी फर्स्ट लुक इमेज भी बाहर आ चुकी है, जिसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, और एंड में हम लोग प्राइस के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही रहेगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो या फिर आगे कहीं पे पसंद आती है तो प्लीज़ सर इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना, और अपने भाई की मेहनत को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। और अब चलिए हम लोग वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको Realme GT की फर्स्ट लुक इमेज स्क्रीन के ऊपर शो ऑफ कराता हूँ। देख सकते हो कुछ इस डिज़ाइन के साथ हमें Realme GT जो है वो इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और कलर एडिशन होगा कुछ इस टाइप से। इसके बाद हम लोग बात करें फीचर के रिगार्डिंग। सबसे पहले बात करें हम लोग फ्रंट साइड डिस्प्ले की, तो फ्रंट पे हमें 6.8 इंचेस की एक OLED डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा 160 हर्ट्ज़ की हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया जाएगा, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसके अलावा और भी काफ़ी पावरफुल अपग्रेडेड फीचर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग अभी बात करने वाले हैं। इसके अलावा रियर पे हमें ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका मेन सेंसर तो 64 मेगापिक्सल का ही होगा, लेकिन यहाँ पे 13 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड एंगल प्लस 13 मेगापिक्सल की मैक्रो सेंसर का सपोर्ट दिया गया है, तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। हालांकि यहाँ पे 64 मेगापिक्सल की इमेज शूटर का सपोर्ट दिया गया, बट हाँ दो सेंसर पे यहाँ पे अपग्रेड किए गए 13 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल। इसके अलावा अगर चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे दिल खुश करने वाली पावरफुल चिपसेट का सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। स्नैपड्रैगन की तरफ से लेटेस्ट पावरफुल चिपसेट जो रिलीज़ किया गया 888 वाली, वो चिपसेट का सपोर्ट हमें इस स्मार्टफोन के ऊपर मिलने वाले हैं। एंटूतु बेंचमार्क स्कोर हमें इस चिपसेट की 7,03,000 के अप्रोक्स देखने को मिली है। इसके अलावा 5 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर ये चिपसेट क्लॉक्ड है, तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये चिपसेट कितना पावरफुल चिपसेट होगा। इसके अलावा अगर बैटरी की बात करें तो 5000 एमएच की बिग बड़ी बैटरी का सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, और इसे चार्ज करने के लिए बिग बड़ी स्पीड वाली चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पे दिया जाएगा। 125 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट हमें इस स्मार्टफोन के ऊपर मिलने वाला है, तो ये भी चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी इस स्मार्टफोन की। इसके अलावा ये जो स्मार्टफोन है हमें दो रैम रोम के साथ देखने को मिलेगा, 12/256 GB एंड 12/512 GB। ये दो रैम रोम के साथ ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो स्मार्टफोन है विद बॉक्स Realme UI 2.0 एंड Android 11 के साथ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ यहाँ पे कंफर्म स्पेसिफिकेशन इस स्मार्टफोन के रिगार्डिंग बाहर आ रहे हैं। इसके अलावा फ्रंट साइड के रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है कि कितनी मेगापिक्सल की सेल्फी का सपोर्ट दिया जाएगा, तो देखते हैं इन फ्यूचर अगर सेल्फी के रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन बाहर आती है तो मैं आपसे जरूर से शेयर करूंगा। इसके अलावा अगर प्राइजिंग की बात करें तो यहाँ पे प्राइजिंग को लेकर तो कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बट अगर स्पेसिफिकेशन को देखकर प्राइजिंग को गेज करें तो मे बी इस स्मार्टफोन की जो प्राइज हो सकती है वो मेरे ख्याल से 40,000 से अब अभी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी अपग्रेडेड स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। स्नैपड्रैगन 888 वाली पावरफुल चिपसेट का सपोर्ट दिया जा रहा है, 125 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा, 5000 एमएच की बैटरी का सपोर्ट होगा, इसके अलावा 160 हर्ट्ज़ की हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया जाएगा, तो मे बी प्राइस जो है वो 40,000 से अब अभी हमें देखने को मिलेगी। और आपको क्या लगता है इस स्मार्टफोन की प्राइस के रिगार्डिंग आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके रिगार्डिंग में आप लोग कमेंट करके बता देना, एंड ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सर इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक ये चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।